नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 13 पर, और पाठ संख्या 13 का शीर्षक है कितनी जमीन। चित्र पर आधारित गतिविधि। यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। उपयुक्त चित्र में छिपी कहानी को समझकर अपने शब्दों में लिखो और शीर्षक भी बताओ। मैं समझती हूँ कि ये चित्र देखकर ही आपको कहानी समझ में आ गई होगी, तो आपको अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है और इसका शीर्षक भी बताना है। पाठ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम हैं, मतलब जो उसको आवश्यक चीज़ें हैं जीवन में, जो उसे चाहिए ही चाहिए, वो तो बहुत कम है, परंतु हमारी महत्वाकांक्षाओं ने इसे काफ़ी बढ़ा दिया है। लोभ ही हमारे विनाश का कारण बनता है। इस पाठ से हमें लोभ ना करने की सीख मिलती है। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक किसान था सुखिया। उसके पास खेती के लिए बहुत सी जमीन थी, अच्छा घर बार था, अच्छी गुजर बसर हो रही थी, किसी चीज़ की कमी ना थी, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं था, उसे संतोष नहीं था, उसे और चाहिए था, और अधिक पाने की उसकी इच्छा मिटती नहीं थी। एक दिन सुखिया अपने घर के बाहर बैठा था, सांझ हो गई थी। तभी एक राहगीर आया जो रात भर रुकने की जगह चाहता था। सुखिया दिल का बुरा नहीं था, उसने उस राहगीर को रात भर रुकने के लिए अपने घर में आश्रय दे दिया। खान पान के बाद दोनों बैठे तो देर तक बातचीत हुई। बात से बात निकली तो सुखिया ने राहगीर से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि बहुत दूर दरिया के पार एक विशाल बस्ती बस रही है, वहाँ बहुत सारी ज़मीन है और बहुत सस्ते में मिल रही है। ज़मीन बहुत अधिक उपजाऊ है, थोड़ी सी मेहनत से ही फसलें लहलहा जाएंगी। हमारे गांव का ही किसान था, दाने दाने को मोहताज था, उसने वहाँ ज़मीन खरीदी थी। आज उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खेत खलिहान, रुपए पैसे, गाय बैल सब कुछ है। अगर बात बन गई तो मैं भी कुछ ही सालों में मालामाल हो जाऊंगा। अगली सुबह राहगीर तो अपनी राह चला गया, लेकिन सुखिया के मन में उथल पुथल मचा गया। सुखिया का मन अत्यंत बेचैन हो उठा, उसे अपना घर छोटा सा लगने लगा। बहुत सा पाने की चाह मन में हिलौरे लेने लगी। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि एक बार उसे भी जाकर बहुत सारी ज़मीन पाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी तैयारी की, राह खर्च लिया और अपने एक नौकर को अपने साथ लेकर चल पड़ा दरिया के पार की ज़मीन देखने। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राहगीर की कही बात बिल्कुल सही थी। दूर दूर तक ज़मीन फैली हुई थी, वहाँ के लोग भोले भाले और सीधे साधे लग रहे थे। उनके पास अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ ही थी, उनका रहन सहन भी सरल था। जब उन्हें पता चला कि वह वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए आया है, तब वे उसे गांव के मुखिया के पास ले गए। सुखिया ने देखा कि मुखिया भी उन्हीं की भांति सरल है। उसने मुखिया को अपने आने का कारण बताया। मुखिया ने ज़मीन देने की बात पर कोई आनाकानी नहीं की। उसने सुखिया से कहा कि वह ज़मीन का जो टुकड़ा लेना चाहे ले सकता है। मुखिया की बात सुनकर सुखिया खुश हो गया। ज़मीन का भाव पूछने पर मुखिया ने बताया कि ज़मीन की कीमत 1,000 रुपये एक दिन के हैं। सुखिया को कीमत कुछ अटपटी लगी। उसने पूछा, एक दिन के 1,000 रुपये, यह कैसी कीमत है? 1,000 रुपये में आप कितने एकड़ ज़मीन देंगे? मुखिया बोला, हम एकड़ के हिसाब से ज़मीन नहीं बेचते, हम दिन के हिसाब से ज़मीन बेचते हैं। तुम एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन नाप लोगे, वह सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी।
सुखिया बोला, अगर मैं एक दिन में सारी जमीन नाप लूं तो क्या वह मेरी हो जाएगी? हाँ, वह सारी जमीन तुम्हारी होगी, मुखिया ने हंसते हुए उत्तर दिया, लेकिन एक शर्त है। जिस जगह से तुम जमीन नापना शुरू करोगे, सूर्यास्त से पहले तुम्हें उसी स्थान पर वापस आना होगा, नहीं तो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। सुखिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। सारी रात करवटें बदलते बीती, पौ फटने का इंतजार करता रहा। पौ फटने का मतलब सुबह होने का। पौ फटते ही वह मुखिया के द्वार पर जा पहुंचा। मुखिया तैयार हुआ, अपने साथ गांव के लोगों को लिया और सब एक ऊंची टेकड़ी पर पहुंच गए। वहां से सुखिया ने देखा, दूर दूर तक हरी भरी धरती बिछी थी। मुखिया ने कहा, यह सारी हमारी जमीन है, जितनी चाहे ले लेना। सुखिया की निगाहें जमीन पर टिकी थीं। उसका मन सारी जमीन पाने के लिए ललचा उठा। मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारी और नीचे रख दी, फिर बोला, यह निशान है, तुम यहाँ से भूमि की नाप शुरू करोगे, यहीं आकर तुम्हारी नाप खत्म होगी। जितनी जमीन नाप सको वह सब तुम्हारी। सुखिया ने रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए। सोचने लगा, कहाँ से शुरू करूं? मन ही मन अच्छी भूमि की परख की, फावड़ा लिया, रोटी अपने अंगोछे में बांधी, पानी का बंदोबस्त किया और चल पड़ा बहुत सारी जमीन पाने की ललक में। शुरू में वह बहुत धीरे धीरे चला। जब उसने 1000 गज जमीन नाप ली तब वह ठहरा। जमीन में गड्ढा खोदा और घास ऊंची करके रख दी, ताकि दूर से सभी को उसके द्वारा नापी जमीन दिखाई दे। टेकड़ी पर खड़े लोग साफ दिखाई दे रहे थे। गर्मी बढ़ने लगी थी। उसने कोट उतार कंधे पर डाल लिया। बदन में फुर्ती आ गई। सूरज आसमान में ऊपर आने लगा। तेज तेज चलने से अधिक गर्मी लगने लगी। उसने पैरों के जूते भी उतार कर कमर में खोस लिए। मन में सोचा, खेत की एक भुजा बन गई, अब दूसरी ओर मुड़ना चाहिए। मुड़ना ही चाहता था कि आगे की जमीन अधिक उपजाऊ लगी। छोड़ने का मन ना हुआ। मन में सोचा, इतनी उम्दा जमीन कोई बेवकूफ ही इसे छोड़ेगा? उसकी चाल में और तेजी आ गई। वह अधिक से अधिक जमीन पाना चाहता था। कुछ दूर तक गया, पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी पर खड़े लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। उसके मन में आया, अब लौट जाऊं। फिर सोचा, अभी तो सूरज ढलने में बहुत समय बाकी है, कुछ मील और चलकर मुड़ जाऊंगा। रास्ते में अपनी जमीन की पहचान के लिए निशान लगाते और घास खड़ी करते सुखिया बाई और मुड़ गया। दोपहर हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, टेकरी पर खड़े लोग बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। सुखिया ने मन ही मन निर्णय लिया, मैं दूर आ गया हूँ, अब मुझे लौट जाना चाहिए। जल्दी से बाई और मुड़ा। उसे भूख प्यास भी लगी थी, थकान भी हो रही थी। उसने खाने पीने और आराम में अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। जल्दी जल्दी खाना खाया और वापस लौटने लगा। गर्मी बढ़ती जा रही थी। थकान के मारे सुखिया का बुरा हाल था। टांगे जवाब दे रही थी। नंगे पैर चलने के कारण पैर छिल गए थे। मन कर रहा था कुछ देर आराम करे, परंतु समय नहीं था। सूर्यास्त से पहले उसे टेकड़ी तक पहुंचना था। सुखिया ने अपनी चाल बढ़ाई, अपना पूरा जोर लगाकर चलने लगा। उसने अपने मन में सोचा, यदि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा, व्यर्थ ही इतना लालच किया। सुखिया ने पूरी ताकत लगाई और भागना शुरू कर दिया। मन में भय पैर पसार रहा था कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। भय से उसकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए थे। उसका गला सूखने लगा था। उसका दिल हथौड़े की चोट सा धड़क रहा था। वह भयभीत था कि इतनी थकान से कहीं वह ढेर ना हो जाए। सुखिया का हाल बुरा था,
पर वह रुक नहीं सकता था। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। वह दौड़ने लगा, तेज और तेज, अपनी पूरी ताकत लगाकर वह दौड़ पड़ा। सूरज धरती के पास आता जा रहा था। उसने टेकड़ी से उत्साह बढ़ाते लोगों की आवाज़ें सुनी। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। वह टेकड़ी पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक सब तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया। वह रुकना ही चाहता था कि उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई दी जो उसे पुकार रहे थे। तब उसे समझ आया कि वह जिस स्थान पर खड़ा है वहाँ से सूरज डूब गया है, लेकिन टेकड़ी के ऊपर खड़े लोगों को अब भी सूरज दिखाई दे रहा है। सुखिया ने एक गहरी सांस ली और टेकड़ी की ओर भागा। टेकड़ी पर अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। मुखिया और गांव के लोग वहीं बैठे थे। मुखिया पगड़ी के पास बैठा, मुंह ऊपर किए जोर जोर से हंस रहा था। सुखिया की टांगें जवाब दे गईं और वह मुंह के बल आगे गिर पड़ा। उसके हाथ पगड़ी तक जा पहुंचे। मुखिया खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, बहुत खूब, तुमने अपने लिए बहुत सी जमीन नाप ली। सुखिया का नौकर उसे उठाने के लिए आगे आया, परंतु सुखिया मर चुका था। एक आदमी को सिर से पांव तक कितनी जमीन चाहिए होती है? क्योंकि उसने लालच किया और लालच के वश में आकर वह भागता रहा और ज़मीन को नापता रहा, लेकिन अंत में वह इतना अधिक थक गया कि उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस कहानी का अंश लियो टॉल्स्टॉय की कहानी पर आधारित है। कठिन शब्द हैं बच्चों जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं, टेकड़ी, मोहताज, आनाकानी, उपजाऊ, उम्दा, बेवकूफ़, सांस, अंगोछे, भयभीत, राहगीर, राहखर्च, व्यर्थ, सूर्यास्त, और आगे हैं शब्दार्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे भी। आश्रय का अर्थ है ठहरने की जगह, बंदोबस्त, इंतज़ाम, व्यवस्था, हिलोरे लेना, उठना, लहराना, उम्दा, बढ़िया, टेकड़ी, ऊंची भूमि, व्यर्थ, बेकार। तो आपको इन्हें याद भी करना है और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखना है। अब करते हैं बात पाठ की, बताओ क्या पढ़ा? सुखिया को अपना घर छोटा क्यों लगने लगा था? जब राहगीर ने सुखिया को बताया कि दरिया पार एक विशाल बस्ती है और वहाँ बहुत सी ज़मीन है, तो उस ज़मीन को पाने के लालच में और अधिक बड़ा घर बनाने के लालच में सुखिया को अपना घर छोटा लगने लगा था। मुखिया ने ज़मीन का क्या भाव बताया? 1,000 रुपये दिन का भाव बताया। ज़मीन देने के संबंध में मुखिया ने क्या शर्त रखी? ज़मीन देने के संबंध में मुखिया ने यह शर्त रखी कि यदि तुम पैदल चलकर एक दिन में जितनी ज़मीन नाप लोगे और सूर्यास्त तक वहाँ आ जाओगे जहाँ से तुमने नापना शुरू किया था, तो उतनी ज़मीन तुम्हारी होगी, और यदि तुम सूर्यास्त तक वापस ना आ पाए तो तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। सुखिया की खुशी का क्या कारण था? सुखिया ने जब बस्ती के पास जाकर वहाँ पर उपजाऊ भूमि देखी और मुखिया की शर्त सुनी, तो वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह एक दिन में बहुत अधिक ज़मीन नाप लेगा और अपने नाम करा लेगा। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। बस्ती कहाँ बस रही थी? दरिया के पार। दरिया पार के लोग कैसे थे? सीधे साधे। मुखिया ने ज़मीन की कीमत बताई, 1,000 रुपये एक दिन के। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। राहगीर सप्ताह भर रुकने की जगह चाहता था? नहीं, एक रात रुकने की जगह चाहता था। गर्मी बढ़ने पर सुखिया ने कोट उतार कंधे पर डाल दिया? सही।
सुखिया ने रुपए गिनकर मुखिया के हाथ में दिए, नहीं उसने पगड़ी पर रख दिए। सबसे पहले सुखिया 2000 गज चलने पर ठहरा, नहीं 1000 गज चलने पर ठहरा। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। सुखिया की निगाहें जमीन पर टिकी थी, उसका मन सारी जमीन पाने के लिए ललचा उठा। मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारी और नीचे रख दी, फिर बोला, यह निशान है, तुम यहाँ से भूमि की नाप शुरू करोगे, यहीं आकर तुम्हारी नाप खत्म होगी, जितनी जमीन नाप सको वह सब तुम्हारी। सुखिया ने रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए। जमीन देख सुखिया को कैसा लगा? जमीन देख सुखिया का मन हुआ कि वह सारी जमीन ले ले। उसकी निगाहें जमीन पर ही टिकी थी, उसका मन सारी जमीन पाने के लिए ललचा उठा। भूमि की नाप कहाँ से शुरू करनी थी? भूमि की नाप जहाँ मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारी थी वहाँ से शुरू करनी थी। मुखिया ने कितनी जमीन नापने के लिए कहा? मुखिया ने एक निशान देकर सुखिया को कहा कि वह जितनी चाहे जमीन नाप सकता है, वह सब उसकी हो जाएगी। सुखिया ने जमीन की नाप शुरू करने से पहले क्या किया? सुखिया ने जमीन की नाप शुरू करने से पहले रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सुखिया का अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होने का क्या कारण था? सुखिया का अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होने का क्या कारण था? सुखिया का अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके पास जो भी था वह उससे अधिक पाने की लालसा रखता था और इसी कारण वह अपने जीवन में संतुष्ट नहीं था। मन में बहुत सा पाने की चाह उत्पन्न होने पर सुखिया ने क्या किया? मन में बहुत सा पाने की चाह उत्पन्न होने पर सुखिया ने राहगीर द्वारा बताई गई बस्ती में जाकर जमीन लेने का निर्णय किया। मुखिया ने किस हिसाब से जमीन बेचने की बात की? मुखिया ने 1000 रुपये एक दिन के हिसाब से जमीन बेचने की बात की। सूर्यास्त होने से पहले सुखिया की स्थिति कैसी हो गई थी? सूर्यास्त होने से पहले सुखिया की स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी। वह गर्मी के मारे बेहाल था, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, उससे चला भी नहीं जा रहा था। पसीने से लथपथ होने के बावजूद वह भाग रहा था और सूर्यास्त के भय से उसका हृदय भी बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, तो उसकी हालत बहुत अधिक खराब हो चुकी थी। थोड़ी सी मेहनत से ही फसलें लहलहा जाएंगी का क्या अभिप्राय है? थोड़ी सी मेहनत से ही फसलें लहलहा जाएंगी का अभिप्राय यह है कि बस्ती पार की ज़मीन बहुत अधिक उपजाऊ थी, उस पर फसल प्राप्त करने के लिए, फसल उगाने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी सी मेहनत से ही उस पर बहुत अच्छी फसल आने की संभावना थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें पता चला कि लालच हमारे विनाश का कारण बन सकता है। लालच एक बहुत बुरी बला है। तो हमें जो हमारे पास है या जितना हम ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उसी में संतोष करना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।